हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से ऑल अबाउट मूवीज चैनल में, जहां आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी ब्रूटस स्लैशर सीरीज का तीसरा पार्ट। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन विद अ शॉर्ट इंट्रो। दसवें नंबर पर आती है मूवी सीरीज द ह्यूमन सेंटीपीड, जिसे डायरेक्ट किया है टॉम सिक्स ने। इस सीरीज में तीन पार्ट हैं, जो कि 2009 से 2015 तक है। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो इसमें एक साइको जर्मन सर्जन डॉक्टर हेदर होता है, जो कि तीन टूरिस्ट को किडनैप करके उनको उनके माउथ और रेक्टम से जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाता है और अपनी फैंटेसी को पूरा करता है। इसी से इंस्पायर है इसके बाकी दो पार्ट, जहां इस मूवी सीरीज में काफी डिस्टर्बिंग सीन्स है और इसके फर्स्ट पार्ट को IMDb पे मिलते हैं 4.4 out of 10। नौवे नंबर पर आती है 2005 में आने वाली मूवी हाउस ऑफ फैक्ट, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन क्लथसेरा ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में फंस जाने की वजह से वो एक बैंड वैक्स म्यूजियम से हेल्प मांगते हैं, जो कि उन्हें महंगा पड़ता है। मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उस म्यूजियम की देखरेख करने वाले दो ब्रदर्स से फ्रेंड्स के ग्रुप अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस स्लैशर से भरी मूवी को IMDb पे मिलते हैं 5.4 out of 10। आठवें नंबर पर आती है 2011 में आने वाली मूवी योर नेक्स्ट, जिसे डायरेक्ट किया है एडम विंगार्ड ने। अगर मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में एक कपल ओबरी एंड पॉल अपनी अपनी फैमिलीज को इनवाइट करते हैं अपने घर पर होने वाले उनकी एनिवर्सरी पार्टी के लिए, लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक स्ट्रेंज पर्सन जिसने मास्क पहना होता है वो एक एक करके पार्टी के सभी लोगों को ब्रूटली मारना चालू कर देता है। इस मूवी में काफी ज्यादा खून खराबा हमें दिखाया गया है, जहाँ इस मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.5 out of 10। सातवें नंबर पर आती है ब्रिटिश मूवी सीरीज हेल राइजर। ये सीरीज 1987 से लेकर 2018 तक है, जिसमें 10 मूवी हैं। अगर मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में एक कपल जिसमें मैन के भाई को और वुमन के एक्स लवर को ढूंढने के लिए वो एक पुराने घर में जाते हैं, जिसमें वो एक इंसान जिसे वो ढूंढने गए होते हैं वो एक अगली सा दिखने वाला बीस्ट में ट्रांसफर हो चुका होता है, और अपने आप को पूरा करने के लिए वो उन कपल से ह्यूमन सेक्रीफाइस मांगते हैं, जहां इस मूवी में काफी डिस्टर्बिंग सीन्स और दिल दहला देने वाले सीन्स हैं। और इस सुपर नेचुरल हॉरर मूवी के फर्स्ट पार्ट को IMDb पे मिलते हैं 6.9 out of 10। छठे नंबर पर आती है दो मूवीज का कलेक्शन हैप्पी डेथ डे, जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने, जिसके दो पार्ट्स हैं 2017 और 2019। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में एक कॉलेज स्टूडेंट्स थेरेसा जो एक टाइम लूप में फंसी होती है, जहां उसकी डेथ डे के दिन उसकी लाइफ उस दिन से वापस शुरू होती है और ऐसा होते रहता है, और वो हर मर्डर से बचने की कोशिश करती है, जहां ये टाइम लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपने किलर को जिसने एक मास्क पहना होता है उसको आइडेंटिफाई ना कर ले। इस मूवी में थेरेसा को हर बार अलग अलग तरीके से ब्रूटली मारते हुए दिखाया गया है, और इसके फर्स्ट पार्ट को IMDb पे मिलते हैं 6.6 out of 10। पांचवे नंबर पर आती है फिर से दो मूवीज का कलेक्शन द डिसेंट पार्ट 1, जो 2005 में आई थी, और पार्ट 2 जो कि 2009 में आई थी। मूवी घूमती है कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अराउंड जो एक्सपीडिशन के लिए एक केव में जाते हैं, जहां जाने के बाद वो उस केव में फंस जाते हैं, लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कुछ स्ट्रेंज बीस्ट प्रेडिएटर उनको दिखते हैं और वो प्रेडिएटर उनको बुरी तरीके से मारना चालू कर देते हैं। इस मूवी में काफी ज्यादा स्लैशर और ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, जहां इसके फर्स्ट पार्ट को IMDb पे मिलते हैं 7.2 out of 10। चौथे नंबर पर आती है मूवी सीरीज स्क्रीम, जो 1996 से लेकर 2022 तक है। इस सीरीज में 5 मूवीज हैं, जिसकी शुरू के 4 पार्ट को डायरेक्ट किया है वेस कार्विन ने।
मूवी घूमती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के अराउंड, जिसमें सिडनी की मॉम का मर्डर होने के एक साल बाद फिर मर्डर होने चालू हो जाते हैं, जिसमें किलर एक हॉरर मूवी का यूज करके एक गेम खेलता है फिर लोगों को ब्रूटली मारता है। सिडनी किलर को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके दौरान शक सभी कॉलेज फ्रेंड्स पर जाता है, जहां मर्डर की मिस्ट्री एंड में रिवील होती है। और इस स्लैशर और मिस्ट्री मूवी सीरीज को IMDb पे मिलते हैं 7.4 out of 10। तीसरे नंबर पर आती है 2011 में आने वाली मूवी स्किन आई लिव इन, जिसे डायरेक्ट किया है पीत्रो अल्मोदोवार ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी घूमती है डॉक्टर रॉबर्ट लेगर्ट के अराउंड, जो एक स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जहां उनकी वाइफ की मौत जलकर हो जाती है। आगे डॉक्टर रॉबर्ट अपनी हाउसकीपर मारिया के साथ मिलकर एक ऐसी स्किन पर काम करते हैं जो बर्न विक्टिम्स की लाइफ को बचा सके, जिसके दौरान वो स्किन बनाने के लिए लोगों पर टेस्ट करते हैं, जहां इस मूवी में काफी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं और इस मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.6 out of 10। Did you know I'm utterly insane? दूसरे नंबर पर आती है 2000 में आने वाली मूवी अमेरिकन साइको, जिसे डायरेक्ट किया है मैरी हैरिंग ने। मूवी में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक बैटमैन, जो कि एक जेलस पर्सन है और दूसरों की कामयाबी और पैसे से जलता है, जहां वो अपने फ्रेंड्स में खुद को उनसे ऊपर समझता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो जेलसी से हुआ गुस्सा को शांत करने के लिए लोगों को मारना चालू कर देता है, और धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स और प्रोस्टिट्यूट को भी मारता है अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए। मूवी की एंडिंग कमाल की है, जहां इस स्लैशर थ्रिलर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.6 आउट ऑफ 10। पहले नंबर पर आती है 2006 में आने वाली मूवी अपोकलिप्टो, जिसे डायरेक्ट किया है मेल गिब्सन ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी में मायान किंगडम धीरे धीरे क्रम्बल होना चालू हो जाता है, जहां के लीडर का ये मानना होता है कि किंगडम को बचाने के लिए ज्यादा मंदिर बिल्ड करने होंगे और ज्यादा लोगों की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन मूवी घूमती है एक ट्राइब के हंटर के अराउंड, जिसे मायान किंगडम द्वारा सेक्रीफाइस के लिए कैप्चर कर लिया जाता है उसके ट्राइब के साथ। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो वहां से एस्केप करता है और उसके पीछे आने वाले लोगों को एक एक करके मारता है, जहां इस एडवेंचर स्लैशर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.8 आउट ऑफ 10। तो ये थी हमारी टॉप 10 ब्रूटल स्लैशर मूवीज का तीसरा पार्ट। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं अपने सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज ऑल अबाउट मूवीज। वॉच बेस्ट एंड डू बेस्ट।